हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप देख सकते हैं मेरे पीछे बगीचा में आए हैं और केला का फल काटने के लिए आए हैं जो पेड़ में लगा हुआ है और उसको अभी काटेंगे। तो अभी थोड़ा सा केला के बारे में इंट्रो देते हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये मिथिला की धरती है और हम यहाँ से ब्लॉग शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे हर एक वीडियो में कुछ न कुछ बातें होती है, कुछ न कुछ बात समझने वाली होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग केला के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं कि सबसे पहले केला जो है, कहा जाता है ऐसा कि पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है, वहाँ पर सबसे पहले केला उगाया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि 4000 वर्ष पहले मलेशिया जैसे देश में इस केला का सबसे प्रथम जो प्रमाण होता है वो मिला था। और केला खाने में अभी जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा युगांडा नामक जो कंट्री है उसमें, उस देश के लोग जो है सबसे ज़्यादा केला खाते हैं। और भारत जो है केला उत्पादन में पहला स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पे। और अगर राज्य की दृष्टि से सोचेंगे तो सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन जो है अभी वर्तमान में तमिलनाडु में होता है। और देखिए, अपना जो बिहार है वो समझिए कि 1, 2, 3 में भी नहीं है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला होता है बिहार में, और इतना उत्पादन होने के बावजूद भी अब पता नहीं क्या मैनेजमेंट की कमी होती है, सरकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि क्या होता है, 1, 2, 3 में भी नहीं है अपना बिहार केले के उत्पादन में। जबकि हाजीपुर में आधा जगह आप जाइएगा तो केला का ही बगान आपको देखने को मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जान लेते हैं कि केला में क्या सब पाया जाता है। तो केला में जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और केला में जो है कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये समझिए कि पौष्टिक तत्व का खजाना है केला। अगर हम नियमित सेवन करते हैं केला का तो आपकी तमाम परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं, एकदम शरीर एकदम फिट रहेगा और वेट कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर इस तरह नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो केला जो है बहुत अच्छा चीज़ है। और अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो उसमें केला का बागवानी कीजिए। तो आज हम जो है केला काटने आए हैं और उसको पकाएंगे और फिर खाएंगे। तो आप जानते हैं कि देसी केला का क्या स्वाद है। आप लोग मार्केट में खरीदने जाइएगा तो अभी 50 का दर्जन मिलता है लगभग, इस तरह का रेट है अभी अपना मिथिलांचल में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं फिर क्या सब है। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने बगीचे में हैं और आ गए हैं केला काटने के लिए। भले केले के पेड़ को काटना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक पेड़ में एक ही केला होता है, एक ही केला का फल होता है। तो क्योंकि दोबारा तो फल दे नहीं सकता, इसीलिए पेड़ को भी काट के हटाना होता है। तो पहले पेड़ काटते हैं और फिर नीचे जब गिरेगा तो फिर फल काटेंगे। तो ये काटते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केला का पेड़ मैंने काट दिया और देखिए कितना मस्त है, एकदम पूरा टाइट है, पूरा एकदम अब पकने की कगार पे आ गया था। तो इसको काटना पड़ा अभी, और नीचे लाइए यहाँ पे दिखाइए। ये तो है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ज्वेल है, बहुत अच्छा। इसको बस अब पकाएंगे देसी अंदाज में बिना केमिकल का प्रयोग किए हुए, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में जो केला मिलता है उसमें अधिकतर जो है केमिकल के प्रयोग से पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देसी अंदाज में पकाएंगे इसको। तो केला का घोर हो गया है तैयार अब ले जाने के लिए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा मस्त एकदम, देखिए आप क्लोज करके दिखाते हैं कितना एकदम पूरा एकदम पकने के कगार पे है, पूरा एकदम मोटा हो गया है छीमी। और ये देसी केला है, हाजीपुर का केला थोड़ा इससे छोटा होता है, उसको चिनिया केला बोला जाता है इससे। और देखिए अब कितना बढ़िया है। तो आप लोग जरूर केला का यूज़ कीजिए और फिट बॉडी बनाइए और पूरा मस्त रहिए। तो आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।